नमस्कार, स्वागत आप सभी का न्यूज 18 डिजिटल के इस मंच पर। और आपके साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हूं, पुनीत मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं कोविड यानी कि कोरोना की, और कोरोना के मामले एक बार फिर से देश में तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आज ही की बात की जाए तो 600 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जो लेटेस्ट न्यूज आई है। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि चिंता जो है वो बढ़ रही है लोगों के बीच। ये चिंता बढ़ने लगी है कि एक बार फिर से क्या कोरोना अपना नया रूप दिखाने लगा है, और फिर से जो बढ़ रहा है सर्दियों के मौसम में, तो ये बड़ी चिंता की बात है। और ऐसे में जो जानकारी निकल कर सामने आई है, अभी कोविड-19 के जो केसेस हैं 619 मामले सामने आए हैं, और ये 4000 से ऊपर अब तक जा चुके हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की भी बात की जाए तो यहाँ पर भी रोजाना जो कोविड की टेस्टिंग हो रही है उसमें मामले जो है उनमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और कोविड जो है क्या फिर से डराने वाला है, फिर से जो लौट रहा है क्या डराने वाली वेरिएंट है, और किन चीजों का ध्यान रखें हम कोविड से एक बार फिर से अपने अपने आप का बचाव कर सकते हैं, इसी बात को लेकर आज मैं हाजिर हूँ, इसी मुद्दे को लेकर हाजिर हूँ। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़ेंगे, चिकित्सक भी जुड़ेंगे, और उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि क्या किया जाना चाहिए, कैसे होना चाहिए। और साथ ही में हमारे सहयोगी जो है वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, चलेंगे हमारे साथ दुर्ग से, हमारे सहयोगी मिथिलेश भी जुड़ेंगे, क्योंकि दुर्ग में मामले, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मामले जो है वो अचानक से एक बार फिर से बढ़ते जा रहे हैं। ग्वालियर भी चलेंगे, सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उसके पहले अगर बात कर ली जाए तो देखिए तस्वीरें जो आ रही हैं वो थोड़ी सी चेतावनी वाली है, सावधान करने वाली है, क्योंकि फिर से कोरोना के केसेस जो है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में किन चीजों की सावधानी हमको रखना चाहिए, किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें जो है इसी को लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है वो भी जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कोविड के केसेस जो हैं उनमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, और ये बड़ी चिंता की बात है। हालांकि सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, और एक बार फिर से सरकार जो है वो ये कह रही है कि जो तैयारियां होनी चाहिए वो तैयारियां कर ली गई है। और सरकार की तरफ से ये बातें सामने आई हैं कि जो व्यवस्थाएं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, चुके हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का स्वागत कर लेते हैं, डॉक्टर आशीष डेंगरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत स्वागत है। कोविड जो है वो चिंता हम फिर से हमारी बढ़ाने लगा है, क्योंकि केसेस जो है उसमें इजाफा हो रहा है। ऐसे में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हम इस पर भी बात करेंगे, और साथ ही साथ ये भी आपसे जानेंगे कि जो नया वेरियंट है कोरोना का ये क्या कुछ बता रहा है, कितना घातक हो सकता है। लेकिन उससे पहले अलग अलग से, अलग अलग शहरों से जो कोविड के केसेस है उसकी थोड़ी सी रिपोर्ट जान लेते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको समझना चाह रहा हूँ कि कोविड के केसेस जो हैं वो कितने ग्वालियर में अभी तक कितने पहुंचे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार इजाफा इसमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में अगर बात करें तो कोविड की दस्तक हो चुकी है। अभी इसी सप्ताह ग्वालियर में एक कोविड पॉजिटिव मरीज मिला है, और इसकी जो कॉन्टेक्ट हिस्ट्री आई है तो वो ये सामने आया है कि वो छतरपुर में एक धार्मिक कार्यक्रम में गया था, वहां से लौटा था करीब 15 दिन पहले, और उसी के बाद जब उसे सर्दी खांसी के चलते यहाँ दिखाया गया तो फिर उसको कोविड की पुष्टि हुई है। आइसोलेशन में इस मरीज को रखा गया है, साथ ही इसके कांटेक्ट में आने वाले अन्य लोगों के भी एहतियात के तौर पर टेस्ट सहित अन्य जो इलाज के संसाधन है वो कराए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर में भी दस्तक के साथ ही अब तमाम जो इंतजाम है उनको भी खंगालने में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन जुट गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस दस्तक के बाद चिंता जरूर है कि जो कोविड की जो दस्तक है, जो लहर है, कहीं ना कहीं फिर से जो है देश भर के साथ ही अब मध्य प्रदेश और ग्वालियर चंबल अंचल में भी धीरे धीरे अब दस्तक देने लगी है। तो निश्चित तौर पर चिंता की बात है, और लोगों को सावधान रहने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि कोविड के जो प्रोटोकॉल है उनका पालन करना चाहिए, ताकि ऐसी स्थितियां ना बने कि लोग जो है इसके चपेट में आकर जो है लगातार स्थितियां बिगड़ती जाए। तो निश्चित तौर पर शुरुआत में ही ग्वालियर चंबल अंचल में जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी एडवाइजरी के बाद अब लोग भी जागरूक हो रहे हैं, लोगों में भी इस बात की चिंता है कि ये जो परिस्थितियां हैं फिर से ऐसा ना बने।
बिल्कुल, और फिर से ऐसा ना बने। जबलपुर का क्या हाल है? जबलपुर में भी क्या केसेस देखे जा रहे हैं? पवन से जानते हैं, पवन, जबलपुर की क्या स्थिति बताई जा रही है? क्योंकि मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामले जो हैं, वो जो टेस्ट हो रहे हैं, उसमें दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है। बिल्कुल पुनीत, फिलहाल अगर जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में अभी कोई भी पॉजिटिव मरीज नहीं है। हालांकि 15 दिन पहले जरूर एक महिला जो विदेश से लौटी थी वो पॉजिटिव थी, लेकिन उन्हें भी सामान्य लक्षण थे, जिसके बाद उन्हें क्वारंटाइन भी किया गया और हॉस्पिटल में उनको रखकर उनका इलाज किया गया, जिसके बाद उनकी दूसरी रिपोर्ट वर्तमान में देखा जाए तो सावधानी के तौर पर, एहतियात के तौर पर जरूर जो है सभी को सावधान किया जा रहा है। और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आम लोग भी अलर्ट हैं, जागरूक हो चुके हैं, जो अपना ध्यान भी रख रहे हैं। साथ ही अगर कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं या कोई भी तबीयत बीमार होता है तो तत्काल डॉक्टर के पास भी पहुंच रहे हैं। यानी जबलपुर से ये फिलहाल जो है खुशी की बात है कि जबलपुर में कोई भी पॉजिटिव मरीज नहीं। ठीक है, खुशी की बात है कि अभी तक जबलपुर में कोई केस पॉजिटिव नहीं आया है। मिथिलेश हमारे सहयोगी जो है वो दुर्ग से जुड़े हुए हैं, और दुर्ग से मिथिलेश खबर आई कि वहां पर पॉजिटिव की संख्या जो है एक साथ बल्क में, जो पहले हमने देख रहे थे कि एक साथ बल्क में केसेस सामने आ रहे हैं, यहाँ पर एक बार फिर से यही स्थिति बन रही है। थोड़ा सा बताएं वहां पर क्या स्थिति है। अच्छी बात की हालांकि प्रशासन की ओर से जो पहल होने चाहिए वो सिर्फ अपनी तक ही सीमित रह जाती है, और ऐसा कोई भी स्ट्रिक्टली कोई ऐसा ऑर्डर नहीं था कि कोरोना को रोक पाया। दूसरी ओर यदि लोगों की बात किया जाए तो लोग भी जो है वो जो जिस तरह से जागरूक होना चाहिए वैसे जागरूक नहीं हो रहे। आज भी लोग खुले में फिर रहे हैं, और जिस तरह से कोरोना आया है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि चेतावनी भी दे रहा है कि यदि 20 फरवरी तक निश्चित रूप से आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए, तो लोग मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें, जो भूल रहे थे लोग, तो उसको अभी अपनाना बेहद जरूरी है। भले ही कोरोना वहाँ है या नहीं इसका वेरियंट वो अलग बात है, लेकिन लोगों को सावधान होना जरूरी। लेकिन एक अभी एक गाइडलाइन जरूर आई, कोर्ट में जो लोग प्रवेश करेंगे उनको ये कहा गया है कि जो भी बगैर मास्क का होगा वो जो प्रवेश कोर्ट के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो इसी तरह से जो ये भी देखने वाली बात होगी कि जो लोग लोग दूर दूर से आते हैं तो वो कहीं कोरोना के पॉजिटिव और कहीं संक्रमण पर अपना लगे, इसलिए कॉन्टेक्ट से ट्रेसिंग बहुत आवश्यक है, लोग बाहर आए उनकी जाँच भी बेहद आवश्यक है, ताकि जो ये जो अभी ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा, मैं आपके पास लौटूंगा। कुछ थोड़ा सा आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी हम महसूस कर रहे हैं, शायद दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं उन तक आवाज भी ठीक से नहीं पहुंच पा रही, हम उसको दुरुस्त करेंगे। लेकिन इस बीच डॉक्टर साहब, डॉक्टर आशीष डिंगरा जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अब उनसे समझने की जरूरत है कि क्या होना चाहिए, कैसी चीजें होना चाहिए, और ये कितना खतरनाक, ये जो नया वेरिएंट डॉक्टर साहब आया है, क्या कैसे देख रहे हैं आप उसको? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्या घातक भी है? देखिए, कोविड जो पहले आया था और अब जो आ रहा है वो तो साल भर साल हमारे साथ जो सीजन चेंज होगा वो तो हमको देखने को मिलेगा। जैसे पहले स्वाइन फ्लू था तो हमको सावधानी तो हर साल बरतनी पड़ेगी जब तक इनके वेरिएंट्स हर साल आते रहेंगे। लेकिन बात यह है कि सुरक्षा की है कि इतना घातक नहीं अभी साबित हुआ है ये, तो हमको सावधानी जो लेनी थी पहले भी, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और सैनिटाइज करना, तो ये तो अभी बिल्कुल छोड़ना नहीं है अभी भी। तो यदि घर के आसपास या किसी को भी खांसी जुकाम बुखार है तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ डिस्टर्बेंस महसूस हो रहा है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार है तो वो ये जाहिर सी बात है कि ये इसका प्रोटोकॉल्स जो है, कोविड के प्रोटोकॉल्स जो है उनको भूलना नहीं है। क्या प्रोटोकॉल्स जो है उनको फॉलो एक बार फिर से लोगों को करना पड़ेगा, क्या मास्क लगाने की जरूरत है, और ये जो नया वेरियंट जो है, सब वेरियंट जिसे कहा जा रहा है, ये क्या घातक है और कितना घातक है, इसके बारे में क्या स्टडीज सामने आई है सर अभी तक? क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि जब कोविड आया था तो ये कहा जा रहा था कि 25, 26 या 27 तक एक बार फिर से ये आएगा और इतना खतरनाक आएगा कि जो हमने देखा कोविड की जो लहर चली थी उससे ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल होने को हो सकता है, बस हमको सावधानी बरतनी है। अगर सावधानी बरतेंगे तो नहीं होगा, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने जो डिस्टेंसिंग अपनाई थी और बाकी जो चीजों को बताया गया था उसको फॉलो करना है। सिंपल सी चीजें हैं जो सब सीख चुके हैं और उसको फॉलो कर हम इसको घातक होने से बचा सकते हैं, फैलने से बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब,
एक चीज और है कि कोविड जब आया था तो तेजी से वैक्सीन को डेवलप किया गया और लोगों ने वैक्सीनेशन करवा भी लिया, वैक्सीन भी लगवा ली, लेकिन उसके बाद मेडिकेशन पे कुछ काम हुआ है क्या कोविड को लेकर? वैक्सीनेशन के लिए जो अभी नया वेरिएंट आया है जी, उस पे भी काम चल रहा है। जो गवर्नमेंट की न्यूज आ रही थी कि भाई उस पे भी काम, तैयारी शुरू कर दी गई है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि जो हमारी सरकार है वो पहले से ही एक्शन में आ गई है। यदि कुछ ऐसा चीज आती है कि बहुत तेजी से फैलेगा तो हम लोग उसके लिए तैयार रहेंगे। और मेडिकेशन के लिए भी जब पहली लहर या दूसरी लहर आई थी तो मेडिकेशन के लिए बहुत सारी चीजें ट्राई की जा रही थी, वो ये कह सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंटल मोड में थे क्योंकि तब किसी को पता नहीं था, लेकिन अब मेडिकेशन के मामले में क्या इसको लेकर कुछ मेडिसिन जो है वो बन चुकी है जो की फायदेमंद साबित हो रही है, क्या कुछ जानकारियां अभी आ रही है मेडिकल फील्ड से? नहीं देखिए, माइल्ड केसेस में तो जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वही देना है, खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है तो उसके पैरासीटामोल देना है या एंटी एलर्जिक देना है, और सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो फिर एंटीबायोटिक्स देने हैं। बाकी ऐसे एंटीवायरल कोई भी ड्रग अभी इसमें प्रूव नहीं हुआ है रेमडेसिविर के अलावा, वो सीवियर केसेस में देना रहता है। तो माइल्ड केसेस में आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है, घर में सेग्रीगेट होना है और अपना मास्क वगैरह पहन के दूसरे लोगों को फैलने से बचाना है। एक चीज और है, सर्दियों का मौसम है डॉक्टर साहब, और इसमें क्या होता है कि लोगों को जुकाम भी हो जाता है, और खुद को स्वस्थ रखने के लिए भी अगर आप कोई टिप्स बताना चाहें कि कैसे अपने आप को हेल्दी रखना है, किन बातों का ख्याल लोगों को रखना चाहिए ताकि कोविड के साथ साथ बाकी जो सीजनल बीमारियां हैं उनसे भी बचा जा सके, कैसे ध्यान रखें? देखिए, सीजनल बीमारियों में जैसे सर्दी जुकाम बहुत तेजी से फैल रहा है, अभी कॉमन हो गया, तो सुबह जो है ठंड में वॉकिंग के लिए ना निकले, जब धूप आ जाती है तब आप घर से निकलिए वॉकिंग के लिए। जैसे कल ही परसों एक पेशेंट आए जो 72 साल के थे और वो बोलते मैं तो 5 बजे जाता ही जाता हूँ, तो उसमें स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है, हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो थोड़ा सर्दियों में आप ठंड के मौसम में सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग पे ना जाएं, और ज्यादा जो हैवी डाइट हो जाती है सर्दियों में उससे बचें, तली हुई चीजों से। तो हमें एक्सरसाइज करना है, डाइट को मेंटेन करना है, और मेडिटेशन जो हमारे को रोज योग या ध्यान भी करना है ताकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे। इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो कोई भी बीमारी है 2 से 3 दिन में ठीक हो जाती है। डॉक्टर साहब, एक चीज और है कि ये सर्दियों का सीजन जो है इसमें जब हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की, तो एक चीज और है कि साइलेंट अटैक के केसेस जो हैं वो इन दिनों कुछ ज्यादा बढ़ रहे हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है? पता चलता है स्ट्रोक आ जाता है, साइलेंट स्ट्रोक जो है उससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे बिल्कुल बहुत सही सवाल पूछा है आपने। मैक्सिमम केसेस जो आते हैं वो आते हैं कि हमने बीपी गोली खाना भूल गए, या फिर पहले से उनका खून पतला की दवाई या कोलेस्ट्रॉल की दवाई चल रही थी, तो यह सब चीजें मिस नहीं करना है। और ठंड में बीपी बिल्कुल कंट्रोल रखना है जी, मैक्सिमम केसेस उसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि वो अपनी या तो दवाई भूल जाते हैं या जी तो उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या तो शुगर बहुत हाई चल रही है, तो उसी बारे उन्हीं पेशेंट्स को लकवा और हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा हो रही है। ठीक है, लकवा और हार्ट अटैक की संभावना। एक चीज और है डॉक्टर साहब, और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप बताएं, हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी ऐसा माना जाता है कि सर्दियों में, क्योंकि सर्दियां रहती हैं तो प्यास भी नहीं लगती लोगों को, तो हाइड्रेशन कितना जरूरी है और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर हाइड्रेट नहीं रखा तो, ताकि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो समझ पाए, क्योंकि ठंडियों में तो वैसे भी लोग जो है पानी का इस्तेमाल कम करते हैं। नहीं, पानी तो आपको 2 से 2.5 लीटर डेली लेना है, कुनकुना पानी लीजिए, प्यास नहीं भी लगे तो अपने मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए कि 2 ग्लास सुबह दोपहर शाम रात पीना है, तो ऑटोमेटिक आपकी जो पूर्ति है वो सही हो जाएगी। प्यास खुद से तो बहुत कम लगती है, लेकिन हमको टाइमिंग सेट करके समय समय पे हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है। एक चीज और है कि सर, स्टोन के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं सर्दियों में, क्या इनमें इजाफा देखने को मिलता है? मिलेगा, क्योंकि पानी की कमी होगी तो डेफिनेटली स्टोन बनना बहुत कॉमन हो जाता है, तो फिर से वही है कि हाइड्रेशन मेंटेन करिए।
तो हाइड्रेशन मेंटेन करना जरूरी है। और कोविड के लिए क्या कुछ आप और लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि लोगों ने जब कोविड आया था हमने देखा कि सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर दिया था, क्या अभी काढ़ा और तमाम चीजें लेनी शुरू कर दी थी और उसकी वजह से कई सारे दिक्कतें भी लोगों को पेश आई थी, तो और क्या किन चीजों को ध्यान लोगों को रखना चाहिए थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए काढ़ा वगैरह पीना अच्छी बात है, लेकिन उसको भी लिमिट में, कोई भी चीज है लिमिट में लेना है। और अभी आज ही एक पेशेंट आया था जिन्होंने ओवर एक्सेसिव यूज नहीं करनी है। मतलब किसी भी चीज की डॉक्टर साहब कुल मिलाकर जो हम समझ रहे हैं, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब का ये कह रहे हैं कि किसी भी चीज की अति जो है वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, चाहे वो फिर आप काढ़े का इस्तेमाल क्यों ना करें। सर्दियां चल रही है, ठीक है आप काढ़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ध्यान रखते हुए। हाँ, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, और सुझाव जो है डॉक्टर्स जो बता रहे हैं, अगर आपको लगता है कुछ तो सीधे डॉक्टर्स के पास आप जा सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। जो सिम्टम्स हैं वो भी बता दिए गए हैं कि सर्दी जुकाम जैसी चीजें हो सकती हैं, लेकिन साथ ही साथ डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वेरियंट जो है डॉक्टर साहब, डरने की जरूरत नहीं है लोगों को? नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, जो आएगा उसको हमको लड़ाई लड़ना है, और कैसे लड़ाई लड़ना है ये बता दिया है कि पहले से ही आप लोग सतर्क हो जाइए, होने से बचिए, प्रिवेंशन इज बेटर, तो जितने कम लोग होंगे तो जल्दी उसकी खात्मा हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर आशीष डिंगरा हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे साफ तौर पर कि किस तरीके से जो आपको प्रिकॉशंस लेना है और साथ ही साथ अपने आप को हाइड्रेट रखना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, सर्दियों में लोग पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हाइड्रेट भी रखिए और अच्छा भोजन लीजिए, ज्यादा तला गला मत लीजिए, क्योंकि सर्दियों के दिन में यह माना जाता है कि ये जो है वो सेहत बनाने का वक्त है, लेकिन सेहत बनाने का ध्यान रखिए कि मौसम कैसा है, वॉक पर जाना है लेकिन मौसम का भी ध्यान रखिए, और अगर जरूरत पड़ती है तो घर में ही वॉक कीजिए, आप एक्सरसाइज भी करते रहिए, ध्यान योग करते रहिए, लेकिन सर्दियों से अपना बचाव जरूर रखिए। और कोरोना का जो वेरियंट जिसका जिक्र डॉक्टर साहब कर रहे हैं वो खतरनाक नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर आप सावधानी नहीं बरतते तो फिर से कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे और ये घातक भी सिद्ध हो सकता है। लेकिन उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी यही है जो हमने कोविड में देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है, सैनिटाइजर का हम इस्तेमाल कर रहे थे और आदि भी हो चुके हैं हम, तो उसका इस्तेमाल हमें करते रहना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, और ऐसे ही कोरोना का बचाव होगा। साथ ही साथ में कैसे स्वस्थ रखें ये भी डॉक्टर साहब ने हमें बताया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका भी बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं कि दर्शक जो हैं उनके मन में जो सवाल उठ रहे थे वो सवालों का जवाब जो है वो आज उन्हें मिला होगा, और आप स्वस्थ रहिए, सर्दियों में अपनी सेहत का ध्यान रखिए, कोविड से अपना बचाव कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क भी जरूर लगाइए। इसी के साथ न्यूज 18 डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म पर आज की चर्चा में